हरिः ओ वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मोकं करोति वाचालं त्वंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्तीयं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मङ्गलं रुक्मिणीकान्तो मङ्गलं गोपिकाप्रियः मङ्गलं भूपतिः कृष्णो वात्सल्यादिगुणन्नवः मङ्गलं श्रीगुरुर्ध्यानं मङ्गलं तत्पदम्बुजं मङ्गलं तज्जपो नित्यं मङ्गलं गुणकीर्तनम् हरिशरणं गीता के पहला अध्याय का दूसरा श्लोक का मतलब आज हम समझने को कोशिश करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदाम् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। इस प्रकार कृपा और लोक व्यवहार इन दोनों ही प्रकार के नेत्रों से हीन होने के कारण पूर्ण रूप से अंधे और पुत्र स्नेह मात्र से आसक्त उस धृतराष्ट्र के प्रश्न से उसका अभिप्राय जानकर अति धार्मिक संजय के उत्तर को वैशंपायन इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। संजय ने कहा, उस समय व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर तो राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के समीप जाकर यह वचन कहा। इस युद्ध में पांडवों को दृष्ट भय की संभावना भी नहीं है। अदृष्ट भय तो अर्जुन को भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान ने शांत कर दिया। इस प्रकार तू शब्द से पांडवों का उत्कर्ष सूचित किया गया है। आप अपने पुत्र द्वारा पांडवों को राज्य लौटा देने की शंका से भी दुखी न हो, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र को संतोष दिलाने के लिए संजय दृष्ट्वा इत्यादि श्लोक से पहले दुर्योधन की दुष्टता का ही वर्णन करता है। पांडव पुत्रों की सेना को व्यूढ़ अर्थात दृष्टद्युम्नादि द्वारा व्यूह रचना से स्थापित देखकर अर्थात चक्षु इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय बनाकर उस समय संग्राम की तैयारी करते समय दुर्योधन ने आचार्य अर्थात धनुर्विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक द्रोण नामक अपने गुरु के समीप जाकर स्वयं ही उनके समीप जाकर न कि उन्हें अपने समीप बुलाकर यह वचन कहा गया है। इससे दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखने से उत्पन्न भय को सूचित किया गया है। भय से अपनी रक्षा के लिए उनके समीप जाने पर भी उसने राजनीति में कुशल होने के कारण आचार्य का
गौरव रखने के ब्याज से अपने भय को छिपा लिया, इसीलिए उसे राजा कहा गया है। यहाँ दुर्योधन ने आचार्य से कहा, इतना कहने मात्र से ही निर्वाह संभव होने पर भी वचन पद उसके वाक्यों को संक्षिप्तत्व, अनेकार्थत्व आदि गुणों से युक्त बताने के लिए रखा गया है। अथवा इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उसने वचन मात्र ही कहा किंतु अर्थ कुछ भी नहीं कहा। पश्चेताम इत्यादि श्लोक से लेकर तस्य संजनयन हर्षम इत्यादि श्लोक से पहले तक के श्लोकों के द्वारा दुर्योधन का वह वाक्य विशेष रूप वचन ही कहा जा रहा है। अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति अत्यंत स्निग्ध हृदयवान होने के कारण आचार्य युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी संभावना से आचार्य के प्रति शत्रुओं को पांडवों की बड़ी अवज्ञा है, इस प्रकार सूचित करने के लिए ही उनका अत्यंत क्रोध उत्पन्न करने के लिए दुर्योधन कहता है। आचार्य पश्चिताम पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण जीवता। आचार्य अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से स्थापित पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, आप जैसे महानुभावों की भी अवहेलना करके निर्भीक रूप से खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस अत्यंत समीपवर्तिनी सेना को उनके अक्षौहिणी सहित होने के कारण बड़ी कठिनाई से रोकी जा सकती है, आप उसको प्रत्यक्ष अवलोकन कीजिए। यहाँ पर प्रार्थना का अर्थ लोट लकार में प्रयोग हुआ है। मैं आपका शिष्य होने के कारण आप आचार्य से प्रार्थना करता हूँ, यह सूचित करने के लिए आचार्य संबोधन पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ दुर्योधन का अभिप्राय है कि इसे देखकर आप स्वयं ही अपने प्रति उन लोगों के द्वारा की गई अवज्ञा को जान लेंगे। पुनः आचार्य की ओर से ऐसी आशंका करके कि हमें उनके द्वारा की गई अवज्ञा को सहन कर लेना चाहिए क्योंकि हम उनका प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। दुर्योधन यह सूचित करने के लिए कि उन्हें रोकना आपके लिए सरल ही है, इस उद्देश्य से कहता है कि व्यूढ़ां तव शिष्येण, इसकी व्यूह रचना आपके शिष्य ने की है। शिष्य की अपेक्षा गुरु की उत्कृष्टता सर्वसिद्ध ही है, यहाँ व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की है। ऐसा न कर द्रुपद पुत्र ने की है ऐसा कहा गया है। वह द्रुपद से आचार्य के पूर्व वैर को सूचित करके द्रोणाचार्य के क्रोध को उद्दीपित करने के लिए ही कहा गया है। श्लोक के धीमता पद से यह सूचित किया गया है कि धृष्टद्युम्न उपेक्षा करने योग्य नहीं है। पश्य अर्थात देखिए, इस प्रकार की प्रार्थना करने का प्रयोजन यह है कि आप अन्य कार्यों से चित्त हटाकर इस ओर अतिशीघ्र ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि पांडुपुत्राणाम पद का चमूम पद के साथ अन्वय न करके उसका आचार्य पद के साथ अन्वय किया जाए तो इसका यह अर्थ होगा, हे पांडुपुत्रों के आचार्य मेरे नहीं, क्योंकि उन्हीं में आपका अति स्नेह है। आपके शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा इससे यह अभिव्यंजित होता है कि यद्यपि धृष्टद्युम्न आपके वध के लिए ही उत्पन्न हुआ है, फिर भी आपने उसे शस्त्र विद्या की शिक्षा दी, यह आपकी मूर्खता ही आज मेरे अनर्थ का कारण हुई है। और आपके शत्रु
दृष्टद्युम्न ने आपके समीप रहकर आपसे ही आपके वध की उपायभूता विद्या को ग्रहण किया, यह उसकी बुद्धिमत्ता है। अतएव भ्रांत होने के कारण आपको ही उसकी सेना देखकर आनंद होगा, किसी दूसरे को नहीं, जिसे हम दिखाएं। अतएव आप ही इसे देखिए। इस प्रकार आचार्य को पांडुपुत्रों की सेना दिखाते हुए दुर्योधन अपना छिपा हुआ द्वेष प्रकट कर रहा है। कहने का अभिप्राय है कि धर्म क्षेत्र में भी आकर जिसकी आचार्य के प्रति भी इस प्रकार की दुष्टतापूर्ण बुद्धि बनी हुई है, उसे अपने अन्याय के लिए पश्चाताप होने की क्या आशंका हो सकती है, क्योंकि सभी की ओर से संकित होने के कारण उसका हृदय तो अत्यंत दूषित है। यदि आचार्य द्रोण कहे कि द्रुपद पुत्र तो कोई प्रसिद्ध वीर नहीं है, केवल उसी के द्वारा अधिष्ठित इस सेना को तू हमारा कोई भी वीर जीत लेगा, उसके लिए तुम क्यों घबराते हो, तो इसका उत्तर दुर्योधन अत्र शूराः इत्यादि 3 श्लोक से देता है।